हेलो, गुड मॉर्निंग। दिस वीडियो इज़ मेड बाय एमपी टेलीकॉम सर्कल फिको L2 टीम। ये वीडियो है टेम्प्रेरी एडवांस सेटलमेंट थ्रू ERP सिस्टम को डिस्कस करने के लिए। इसका रिक्वायर्ड टी कोड होता है ZFI069_2_2। अब ये मेरा खुद का टेम्प्रेरी एडवांस सेटल कर रहे हैं। इसमें मेरा टेम्प्रेरी एडवांस रिक्वेस्ट नंबर मेरे को पहले डालना पड़ेगा, दैट इज़ T। ये ऑलरेडी टाइप था तो मैं इसी को ले लेता हूँ। ये मेरा टेम्प्रेरी एडवांस रिक्वेस्ट नंबर है। अब मैं ये वाला जो टैब है क्रिएट वाला, मैं इस पर क्लिक करूँगा। अब देखिए, मेरे वाले केस में मैंने 180 रुपये का सामान परचेज़ करा है और 20 रुपये मैंने मेरे क्लेम ऑफिसर के पास सबमिट कर दिया है, EO कलेक्शन के पास में। तो इन दैट केस मैं कैसे इस चीज़ को सेटल करूँगा, ये देख लीजिए। रीज़न कोड मैंने एडवांस लेते टाइम स्टेशनरी चूज़ करा था, इसलिए ऑटोमेटिकली वो स्टेशनरी दे रहा है। फिर GL अकाउंट मैं असिस्टिव विंडो से चूज़ करूँगा। अब बिल नंबर, मेरा बिल नंबर है 68। एंड मेरा एक्सपेंडिचर का अमाउंट है 180 रुपये। एंड स्टेशनरी के वेंडर का नाम है श्री विना में। वेंडर का लीगल नंबर ले लेना है, I1 लीगल नंबर। आई थिंक कि इसका पैन वैन नंबर होता होगा, मुझे नहीं पता है, तो मैं इसे रैंडम ले ले रहा हूँ। कॉस्ट ऑब्जेक्ट, अच्छा इसमें देखिए कि फॉर सपोज आपने टेम्प्रेरी एडवांस के थ्रू आप अपना कैपेक्स का एक्सपेंडिचर सेटल करना चाह रहे हैं या कुछ भी करना चाह रहे हैं, उसके लिए सबके लिए प्रावधान है इसमें। इसमें अगर आपने कैपेक्स के लिए लिया है तो वो WBS एलिमेंट नंबर मांगेगा, और फॉर सपोज आपने ये टेम्प्रेरी एडवांस रेडी टू यूज़ एसेट के लिए लिया है तो ऑर्डर नंबर मांगेगा, और नॉर्मल है तो कॉस्ट सेंटर मांगेगा। ये कॉस्ट सेंटर मेरा क्योंकि नॉर्मल एडवांस है तो मैं कॉस्ट सेंटर सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब वो उसके आगे की फील्ड्स अनेबल कर देगा। मैं कॉस्ट सेंटर चूज़ करूँगा, मेरा कॉस्ट सेंटर आएगा फाइनेंस एंड अकाउंट्स का, मैं इसे ले लूँगा। और मैं अमाउंट ऑलरेडी डाल चुका था, मैं एंटर मारूँगा। अब देखिए मेरा 180 रुपये ले लिया, अब मेरा 20 रुपये उसने बचाया है। अब मैं इसको कैसे सेटल करूँगा, मैंने 20 रुपये जमा करा है सिस्टम में। मैं इधर जाऊँगा रिफंडेबल अमाउंट डॉक्यूमेंट्स के टैब में, मैं एक रो इंसर्ट करूँगा। ओके, अब मैं इधर जो क्लेम ऑफिसर EO कलेक्शन के पास में मैंने पैसा जमा करा उसका डॉक्यूमेंट नंबर इधर डालूँगा, 13000883301 13000883301। और इसका डॉक्यूमेंट का ईयर है 2015, मैं एंटर मारूंगा। और इधर देखिए सेव का बटन है, मैं सेव के बटन पे दबाऊंगा तब जाकर वो उस डॉक्यूमेंट का अमाउंट को फेच करेगा।
हेलो, ये सेव का बटन दबाया तो इसने ऑटोमेटिकली जो इस डॉक्यूमेंट का अमाउंट था उसे फेच कर लिया। अब मैं वापस से मेरे एक्सपेंसेस वाली शीट में जाऊंगा और मेरा अमाउंट पूरा सेटल हो चुका है, मैं इसको सेव कर दूंगा। मेरा इस टेम्परेरी एडवांस की रिक्वेस्ट नंबर सेटल हो चुकी है। अब मैं ये एडिट वाले मेनू पे जाऊंगा इसे क्लेम ऑफिसर के पास सबमिट करने के लिए। सबमिट टू क्लेम ऑफिसर, द डेट ऑफ सेटलमेंट इज़ 2/11, डिफॉल्टेड एज पोस्टिंग डेट फॉर एक्सपेंस, वुड यू लाइक टू चेंज इट? डेट ऑफ सेटलमेंट चेंज इट? नो। टोटल नंबर ऑफ बिल्स नीडेड टू, डू यू वॉन्ट टू सबमिट नाउ? कंटिन्यू। अब इसका मैं प्रिंट प्रीव्यू लेऊंगा और चाहूँ तो इसे सेव कर लूँगा। ये मेरा क्लेम सेटल हो गया। होप दिस वीडियो विल हेल्प यू, एंड अगर कोई नया सजेशन होगा तो प्लीज़ इंटीमेट टू फीको एल टू टीम। थैंक यू।